बड़ी खबरों की ओर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है। मुगरा बादशाहपुर के पूर्व अंजुमन सदर रियाज अहमद ने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो भी फंड आता था सबका लेखा जोखा मौलाना शव्वाल ईद पर बताते थे। उत्तर प्रदेश जनपद सोनपुर के मुगरा बादशाहपुर के पूर्व अंजुमन सदर रियाज अहमद ने सबकी नज़र से बातचीत के दौरान बताया कि मेरे कार्यकाल में जो भी फंड आता था उसका पूरा लेखा जोखा ईद पर मौलाना शव्वाल सभी को बताते थे। पूर्व सदर ने कहा कि पूर्व मंत्री सुभाष पांडे ने 6.5 लाख रुपए अंजुमन को दिए थे जो 3 कमरा बनाया गया था। पूर्व सदर रियाज अहमद ने पूरी जानकारी दिया है, एक बार आप लोग भी सुन लीजिए। पेश है सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। जब आप अपने कार्यकाल की बात करते हैं, आपके जब कार्यकाल था उस कार्यकाल में जैसा सुनने में आया, आपने भी बताया कि सुभाष पांडे जी जो कैबिनेट मंत्री थे कुछ फंड दिए थे, वो फंड आपके खाते में आया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आप बताइए। वो जो पैसा दिए थे 6.5 लाख रुपए दिए थे, हमारा स्टेशन के सामने एक मदरसा है उसमें वो 3 कमरा बना हुआ है, उसका लेखा जोखा सब रखा है, जो भी जब समझना चाहे उसका लेखा जोखा रखा हुआ। उस मदरसे को कौन देख रहे हैं? उस मदरसे को जो है ये हमारा अंजुमन जो है अंजुमन रिफॉर्म मुस्लिमीन के हमारे सर देखते, उस मदरसे को जो है वहाँ जो है मौलाना सवाल साहब हैं और कमेटी के लोग भी देखते रहते हैं और हर साल में जो है वहाँ रुदात बनता है, पूरा लेखा जोखा जो है मौलाना साहब वो सुनाते हैं ईद के दिन, ईदगाह में पूरा साल के हिसाब सुनाते हैं। अगर जिसको कहीं कोई जरूरत हो वो जाके उनसे संपर्क करें और जहां हमारी जरूरत हो हमको याद करें तो सारा मामला जो है बताएंगे कि क्या इनकम है क्या खर्च है और सारा उसमें जो होता है खर्चा वो आवाम से पैसा आता है, यहां से लेके दूर दराज तक के आता है, दूसरे प्रदेश से भी आता है, बॉम्बे तक के पैसा आता है, उसका लेखा जोखा जो है साल में एक मतलब पूरा मौलाना सरवाल साहब सुनाते हैं। अगर उसमें कहीं सब सुभा हो तो वो लोगों बैठ के बात कर ले और उसमें जहाँ हमारी जरूरत हो हम आधी रात तैयार हैं। और सुभाष पाड़े जो दिए थे 6.5 लाख रुपये वो मदरसे में खर्च हुआ, 3 कमरा बना था। इसके पहले विनोद सिंह थे, उन्होंने दिया था अपने कार्यकाल में 50,000 रुपये, वो नर्सरी में खर्च हुआ था। फिर बीच में हमारे यहाँ जो है 1 करोड़ रुपये की जमीन बिकी, 1 करोड़ की जमीन बिकी तो हमने ईदगाह के सामने जो कि एक अरसे से वो मुकदमा था झगड़ा था उसमें लथवण सिंह वगैरह थे और इधर दद्दन सिंह बद्दन सिंह के वो सब खत्म हुए, उनके बच्चे थे, वो सब हमने रजिस्ट्री करीब 44 लाख रुपए के रजिस्ट्री कराया, जो पैसा मिला जी जो बाघ का पैसा मिला 44 लाख रुपए के हमने रजिस्ट्री कराया, जो भी खर्च हुआ नए सद को हमने बता दिया है कि इतना इतना पैसा इसमें खर्च हुआ, इतना पैसा जो है अभी जो जमीन वो थी जो पैसा खर्च हुआ सदर साहब आप बता रहे हैं उसके बाद को जो पेमेंट बची होगी वो कहाँ है? वो पैसा जो बचा है वो 3 लोगों के नाम से है, एक ये प्रतापगढ़ रोड पे है जावेद तंबाकू वाले, एक हाजी कबीर मास्टर रोड के हैं मुन्ना साहब उनके नाम, एक अतहर, ये इनके वालिद के नामों से वो सब जमीन थी जी। अब ये जो ये लोग नहीं है तो उन लोगों के नाम से विरासत हुआ, रजिस्ट्री हुई, पैसा इनके खाते में गया, ये अपना पैसा जो है अंजुमन के मध्य में पैसा खर्च किए, जो बाकी बचा है वो पैसा जहाँ जरूरत होगी वो देने के लिए।